क्या नाम है आपका? कितने साल से दवाई खा रही है? 3 साल हो गए। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने यहाँ की सर्दी कोई बता दी थी। हाँ, चेकअप के बाद एक में शुगर आया, दोबारा करवाया तो थायराइड बता दिया। ऐसे कुछ कुछ बता रहा है। आँखों से धुंधला सा दिख रहा है। कहाँ धुंधला दिख रहा है अभी? आंखों से धुंधला दिखता है तो मतलब डायबिटीज तो तेरे को हो गई है, लेकिन कमर में दर्द है ये बता। झुको है? है सर में दर्द है अभी? है कितना? उतना ही है जितना लेगी थी? फिर आराम पड़ गए? ऐसे ही आना है, जब तक नहीं आओगे बहुत बार। मैं तो महाराज रुकने आया हूं। बस ठीक, आ गए हो? थोड़ा पीछे रहो भाई, पीछे रहो। अरे पीछे रहो भाई, हम तो जा रहे हैं। सब कोई देख रहा हूँ तुम्हें, क्या दिक्कत है? क्या हो रहा है? डॉक्टर ने वो बताई है, शुगर, शुगर से धुंधला दिख सकता है। एक रोग है जो शरीर में हो जाता है, उससे धुंधला दिख सकता है। मधुमेह की बहुत सारी दवाइयां हैं। मधुमेह शब्द जो है वो हमारे आयुर्वेद में पहले से मिलता है, तो उसकी बहुत पहले से दवाइयां हैं। वो दवाइयाँ यूज करो आयुर्वेद की, ठीक है ना? एलोपैथी के पे मत जाना और टहलो जितना टहल सकते हो। अभी दर्द कहाँ है? पैरों में। देखो मेरी आंखों में। क्या नाम है आपका? दर्द बताओ कहाँ है? ऐसे मारो जमीन पे पैर 3 बार। जय श्री देव, जय श्री देव, जय श्री देव। इधर आ जाओ, चलो पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ, पीछे पीछे जाओ। नहीं से कहाँ है ये रहता है? इधर आपको प्रेत माता बताई थी, कौन सी बार आए हैं? लेकिन आओ अभी हो, क्योंकि आपका रोग कठिन है, आपका रोग धंसा हुआ है, ठीक है ना? आओगे धीरे धीरे कटेगा, कटेगा उसका लाभ होगा। इसका मतलब आपको अगर 13वीं बार आए तो मैं वैसे भी कह सकता हूँ कि आपको लाभ हुए हैं। यहाँ से क्या क्या लाभ हुआ है वो बताएंगे जरा? अभी लाभ यही है, बस बच्चों में थोड़ी थोड़ी खुशहाली है। हाँ, जैसे 24 घंटे आपके सोने में, इसमें अभी अरे भाई पीछे पीछे होगा, थोड़ी सी शर्म कर लो। तुम्हारी आंखों में लिहाज है तो मेरे को बुखार चढ़ रहा है, मैं तब भी काम करने के लिए खड़ा हूँ। हवन करके आके पूरा दिन तुम्हारा है। मुझे मेरी बेटी में जा रही है, ट्रेन का टाइम हो रहा है। यहाँ से यहाँ से आओ मत भाई, कोई भी उधर लैंड में आओ। क्या होता है आपको? कौन सी बार आप मेरे पास आए? तीसरी बार आई है। तीसरी बार में कुछ आराम पड़ा है अभी? आपको आराम पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ क्या बताया था? आपको क्या बताया था प्रेत बाधा? है कई चीज़ें बताई थी, एक चीज़ बताई थी। हाँ तो उसको कटने तो दो, ठीक है ना? पैर चलाओ, जमीन पे मारो पैर। जय श्री देव बोलो। जय श्री देव। अभी दर्द था शरीर में? कितना है? ज्यादा। कमर में दर्द रहता है? जी। कब से? हो गया 10 साल से। अब पैर चलाओ। अभी भी कितना दर्द है? थोड़ा कम। अरे कमर में? कमर में कहाँ गए आप कमर का? कमर में ही दर्द बता रहे थे ना मुझे? नहीं, पूरा शरीर में। अरे कमर का दर्द कहाँ गया बहन जी? अभी कमर में बताया, कमर में मैंने मारा, कमर का कहाँ गया? अभी नहीं होगा। चलो ऐसे ही आना है, समझ गए? सारा दर्द झूठा है, डॉक्टर का कोई रोग नहीं है तुम्हें, सब निगेटिविटी का रोग है। मैं फूंक मारता हूँ, कोई आदमी पीछे गिर जाता है। परसों एक आदमी पीछे गिर गया और पीछे वाले के दांत टूट गए दो। अपना ध्यान रखना। हट जा, हट जा। दर्द बताओ। पैर चला, पैर उठा, पैर। जय शनि देव बोलो। अभी कहाँ दर्द है इस टाइम? उतना ही है? कैसे कम हुआ? मारने से तो बढ़ना चाहिए। मान लिया मैंने दर्द पे मारा, अब दर्द पे मारा तो इतना दर्द होना चाहिए कि आप मर जाएं, जैसे जैसे खिंच गया हो, कुछ खिंच गया हो, कितना दर्द हो गया। चोट लगता है भाई आप? चोट लगता है? दर्द कहाँ है? दर्द भी तो घटता है। नहीं, थोड़ा सा रह गया, जो इतना सारा था वो थोड़ा सा कैसे रह गया?
भैया कल भी मारे हो ना आप, तो दो जो बहुत जोर से मारा है उसका दर्द कहाँ है? नहीं है। फिर जब मारने का दर्द नहीं है तो फिर दर्द कहाँ ढूंढ रही है? पर अभी कहीं नहीं है भैया, उतना ही है। नहीं, मैंने तेरे से बड़ा पागल दुनिया में धरती पे नहीं देखा। नहीं भैया, पीठ में नहीं है दर्द। इसने शुरुआत में कहाँ दर्द बताया माता जी? पहले शुरुआत में कहाँ दर्द बताया इसने? अब कहाँ बता रही है? पैर चला वैसे जलन रहता। अरे मार जोर से, गाँव में जलन रहता है। जलन का कोई रोक नहीं होता, जलन होती प्रेत बाधा से। प्रेत बाधा बताइए ना, कौन सी बार आई है? दूसरा। अभी आओ, चलो बाबा, चलो अभी आओ, आओ 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 आओ। ये दशा बैठा है, ये प्रेत दशा बैठे हैं। ओ बाबा, ये प्रेत है, ये प्रेत है, ये देखो, ये प्रेत है, ये प्रेत है। चलो दूसरी बार आयो, पिटने नहीं देते इसको। क्या होता है कहाँ है? ऐसे चलाओ पैर के, शनिदेव जय शनिदेव बोलो, जोर से मार, जोर से, जोर से मार दे शनिदेव का नाम लेके। बोल दे जय शनि, जय शनिदेव। कुछ कुछ बताएगा डॉक्टर, तो मैं मेरी चीज निकालूंगा, डॉक्टर की चीज मैं नहीं निकालूंगा। एक डॉक्टर ने क्या बताया मुझे, इससे मतलब नहीं। मैंने आपके शरीर से निगेटिविटी निकालनी है, उसके जो लाभ होने हैं, जितने रोग ठीक होने हैं, वो आपके भाग्य की बात है। और निगेटिविटी से जो रोग है, जो लाभ होने हैं आपको, वो होंगे। पैर चलाओ, पैर, जय शनिदेव बोलो। कमर में दर्द है अभी? घुटनों में है, पैरों में है, गले में है, छाती में है? कुछ नहीं है, तो बस आपको प्रेत बाधा है, प्रेत बाधा के अलावा कुछ नहीं है। एक, कौन से डॉक्टर से इलाज करा रहे हो? पहले तो मैंने ऋषिकेश खाई। अब क्या खा रहे हो इस टाइम? अरब जोलीग्राम से, ये थायराइड की गांठ बन गई है। कहां गांठ? अब महसूस हो रही है? जोर से, चलो, सारे रोग झूठे हैं, यही आएगी सब ठीक हो जाएगा। एक दूसरे को धक्का मत दो, जो आदमी जहाँ से हट गया मुझे उससे आगे जाना है, आपने आगे नहीं बढ़ना है, मैंने आगे जाना है करते हुए। आपको बात समझ में नहीं आएगी, पीछे से लग जाऊंगा मैं जाके। बनवा दी उल्टे पीछे, चलो चलो आप। अरे रोने देना, हाजिरी है उसकी, रोने दे, हाजिरी है उसकी। क्या नाम है माता जी? अरे कमी आ रही है, 45 साल की शर्म नहीं आती लाइन में खड़ी है? 45 साल की हो गई, जबरदस्ती बूढ़ी हो रही है। मैं कहीं चला जाऊँ, यहीं तरह मौत है। इनके बात करा लिया बुढ़ा बुढ़ों के बाद, जब तेरे पास समय नहीं है तो इसका मतलब तू बिजी है। अब बिजी है तो पहले अपना बिजी वाला कार्य कर ले, जब समय मिल जाए तब आ जाइए ठीक होने। क्यों, तू होगी 45 साल की? निकल पत्र निकल से, कहाँ तक थोड़ा थोड़ा सा रहेगा। घुटनों में केवल पेट बाधा के दर्द है और कोई दर्द नहीं है माता जी। कितने सालों से दवाई खा रही है मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे ये पता है डॉक्टरों ने तेरे से खूब पैसा लिया होगा, लिया है कि नहीं लिया है? अभी ऑपरेशन बताया घुटनों के? बताया था, कराया तो नहीं?
नहीं, अभी घुटनों में मामूली मामूली दर्द रह गया। अब डॉक्टर तो तेरे घुटने बदल के अलग कर देते, डॉक्टरों को पता ही नहीं तेरे अंदर क्या है। इसका मतलब सारे झूठे ऑपरेशन हो रहे हैं, 90% लोगों के पता ही नहीं है डॉक्टरों को कर क्या रहे हैं, क्या कमाई खा रहे हैं, पाप की कमाई खा रहे हैं, सीधी सीधी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। फिर जब आपको बीमारी कोई और है और आपको दवाई कोई और दी जा रही है तो पाप खा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पाप कमा रहे हैं। तो फिर और फिर चाहते हैं हमें भगवान की कृपा मिले और खुद भगवान बनना चाहते हैं। मोटी मोटी बातें भी हो रही। मेरा जो होगा मैं खत्म कर दूंगा। तू मेरे को घुटनों में दर्द बता, कमर में दर्द बता, कहाँ है? ये भी दर्द होगी। फ्री बोल दे, जय शनिदेव। फूंक देखो कहाँ लगी है, फूंक यहीं लगेगी जहाँ दर्द रहता है। महसूस कर, आंख बंद करके फूंक कहाँ लग रही है, वहीं झंझनाहट होगा। पानी दो भाई, पानी दो, पानी। हुआ कहाँ लगी फूंक, वहीं झंझनाहट होगी, झंझन 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 होगा, कहाँ हो रहा है। आ जा फिर आगे, आपका हो गया, खड़े हो जाओ, आपका हो गया। जो सरण सरण हो रही है वही रोग है। ये एक स्तन काट दिया क्या डॉक्टरों ने? किस चीज का? नू बोला के बोला मैं तो धाम पर ले जाऊंगा, दिल्ली ना ले जाऊं। तो अब मेरे को तू दर्द बता दे, कोई पथरी का भी दर्द हो तो तू मेरे को बता। ये तेरा मैं पेट देख रहा, तू मेरे को कहीं भी दर्द बता दे। ये जो दर्द घटबट रहा है कहीं कहीं हो रहा है, इसके डॉक्टर केवल ऑपरेशन कर सकता है। पेट में होगा, पेट का ऑपरेशन कर देगा, कभी बच्चा दानी निकाल देगा, कभी रसोड़ी निकाल देगा, कभी कुछ पिच की थैली नहीं। इनके इतिहास में इनके बेईमाने को कोई नहीं पूछ सकता, इतिहास में कोई नहीं पूछ सकता कि तुम कहां झूठे ऑपरेशन कर रहे हो। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, कोई इतना माइकल आर धरती पे पैदा नहीं हुआ है। आगे ना पहली बार मनु भैया इतिहास रच रहे हैं, ये बता रहे हैं समस्या कुछ और है, तुम इलाज किसी और चीज का कर रहे हो और केवल आदमी के साथ बेईमाना हो रहा है। बेईमाना बेईमाना बेईमाना, काहे का ऑपरेशन हुआ तेरा? वहां के बाद वहीं का दर्द गया? ये गांठ नहीं, ये प्रेत है, इसको अकल है। माता जी तू वहां थी जब मैंने उस औरत को डांट मारी और उसका दर्द गायब हो गया? क्यों क्यों गायब हो गया? डांट किस पे पड़ी? प्रेत पे। कौन सुन रहा था? प्रेत सुन रहा था। उसको भी अकल है, वो मर गया है, किसी और के शरीर में रहता है आतताई, ठीक है। और ऊपर से परेशान करता है हमें डॉक्टर, खिलाता है गोलियां। कितनी गोली खा रही है? अरे भाई थोड़ी सी हवा आ जाने दो, खर्चा लेके ऑपरेशन कराना पड़ा। कितना? 6 लाख रुपए लगे सारे। 6 लाख रुपए टोटल लगे और 6 लाख का कर्जा आज तक भर रहा है बेटा। फिर भी है अर बालक ने सोचा माने बचा ले, माने बचा ले, माने बचा ले, है तेरे की। ओहो मैं मेरा पसीना ले जा, तेरी गैर जागा, तेरी गैर रहूंगा मैं सदा, तू घबरा मत। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब तुझे कुछ हो जाए कह दिया मनु भैया मदद कर, रक्षा कर ना। कमर में कौन सी में दर्द रहा है? तुझे कहीं कोई दर्द नहीं है, तू कहे तो अभी तुझे उछाल के कुदा दूं। देख उछल ऊपर और मेरे को दर्द बता दे पूरा का पूरा, पूरे शरीर में कहीं भी कोई रोग महसूस होता है क्या? हाँ पहलवान हो गई है तू इस टाइम। मेरे को पूछ, तेरे को प्रेत माता रहती है मैं बताता हूँ। मेरे को पूछ डॉक्टर, तुझे झूठी बीमारियां बताते हैं, झूठे ऑपरेशन करते हैं, मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ इस भारत की माता के साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन डॉक्टर नहीं जानता, वो तो और दुखी करता है, उस प्रॉब्लम का निदान नहीं करता है। बोल दे जय शनिदेव। अभी रोग दिखाई दे रहा है? रोग दिखाई दे रहा है शरीर में? चलो जाओ मौज लो। ऑपरेशन से बेटी हुई देख ले, ये डॉक्टरों के सताए हुए हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, बेटियां बेटे ऑपरेशन से पैदा होने लगे। मछली के तू जण के आवे, मुर्गी के तू जण के आवे,
सांप के तू जन के आवे है, हथनी के तू जन के आवे है, हिरणी के तू जन के आवे, भैंस के तू जने है, गाय के तू जने है, अरे प्रसव होते है, दर्द होता है बच्चा बाहर, उसके बाद दर्द दे रहे हो, प्रसव से भी बुरा दर्द दे रहे हो, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के पेट काट रहे हो, वो अलग चार इंजेक्शन लगे तो उसके दर्द नहीं रहेंगे लंबे समय तक, आंखें गड़ गई, काली हो गई बहुत कम उम्र में, क्या नाम है तेरा? आंखें गड़ गई, काली हो गई छोटी सी उम्र में, 40 साल की सारी नहीं हुई, 3 ऑपरेशन डॉक्टरों ने कर दिए, चौथा वैसा कर दिया है तेरे को, जाओ तू डॉक्टरों को क्या कहेगी? दे लेना फिर, देती क्यों नहीं, दे मुंह इधर करके दे, जब ही तो आगे थे यहाँ वहां जा गया। क्या साल की है? चलो एक थप्पड़ थोड़ा है वो मैं देख लूं, तूने एक बार भी मैसेज नहीं किया, दे वहां वहां दान पत्र में डालो, चलो मैं देख लूं। मैं स्कूल में यार वो मैं देख लूंगा, धन्यवाद। 30 साल की तो सारी है नहीं, लाइन में लगी फिर सेवा कर देता, हाथ दबा देता, पैर दबा देता, कहाँ दर्द है? ऐसे कर हाथ, ऐसे झूठ बोल रही है, कहाँ दर्द अभी, कहाँ दर्द है अभी, मारो थप्पड़, कहाँ दर्द है, कहाँ मारो थप्पड़ तेरे या दर्द के बोल, अरे दर्द कहाँ है, है कहीं? हाथ से पाँव में आ गई, बता मैं तेरा क्या करूं, क्या पढ़ी लिखी है तू, अभी हाथन में कह रही थी, अभी पाँव में आ गई, हाथ का पाँव में आ गया इसका दर्द, भाई देख लो भाई, सुन लो भाई इसकी बात, भाई निरी है ये तो, अपने आदमी को पता नहीं कैसे रोटी खिलाती है, जब रोटी मांगता होगा तो यूँ कहता होगा, जब यूँ कहती होगी अभी तो दी थी, है अभी तो खा गया, पंद्रह दिन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पूरे शरीर में दर्द, बता मेरे को कहाँ है, पैर चला ऐसे, जय शनिदेव बोल, जय शनिदेव बोल, आठ शनिदेव के आठ लगे तुझे, शनिदेव के आठ लगे तुझे, 8-60 के बराबर है ये, अब तू किसी को भी उठा के फेंक देगी, तेरे में इतना बल आ गया है, तेरे पीछे जो लाल सूट वाली है उसको उठा सिर पे दे के मार, कहाँ है दर्द, अब तैने दर्द के लिए मना किया, तू गठिया भाई की मरीज है, मैं तेरे पीटूंगा बहुत, कहाँ दर्द, इतनी जल्दी गठिया भाई ठीक हो गई, ये गठिया भाई लेके घूम रहे हैं लोग, लोगों को पता ही नहीं है क्या है शरीर के अंदर क्या नहीं है, डॉक्टर मजे ले रहा है, कैसा से दवाई खा रही है, एक दो महीना है गए, वो तो फिर जल्दी आ गई, ये तो जल्दी आ गई तो बच गई भाई, यो सब रे टेस्ट करा दिया, अच्छा वीडियो देख रही थी तू, बच गई बच गई बच गई, किन्हा ने लेकर आई, किन्हा ने भाई इसका वो कहाँ है, हेयर बैंड इसका हेयर ध्यान दो, हेयर बैंड उनमें लगी रहे, आपकी वीडियो देख रहे हैं।
गठिया रोग मतलब जीवन भर का रोग, और वो मनु भैया के यहाँ आके ठीक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लो कोई तो बात है तुम्हें, इसका मतलब कोई निगेटिविटी तो है, कोई निगेटिव पॉइंट तो है तुम्हारा, और वो निगेटिव पॉइंट इसका पाया और वो ठीक हुई। गठिया भाई ठीक हो गई, तालियां बजा दो। कितने मिनट की वीडियो हो गई? 20 मिनट की वीडियो हो गई। गठिया भाई इसकी बिल्कुल ठीक हो गई। और कोई तय करना चाहता है टीवी चैनल वाला तो आ जाए, मैं बता दूंगा कैसे ठीक हुई है। क्यों? क्योंकि गठिया भाई का रोग नहीं था और डॉक्टर ने अपने रोग बता के इसका इलाज चालू कर दिया है ना। 2 महीने हो गए दवाई खाते, कितनी गोली चल रही है? 2 महीने में कितना खर्चा आया भाई? 5-6 हजार रुपए गोली गोली आ रही है। क्या क्या गोली ले रही है? एक टाइम में गोली सुबह की, 6 गोली बॉडी के टिश्यूज फट जाएंगे। जो गोली आपको एक्शन करती है वो रिएक्शन भी करती है उल्टा। आगे ना समझ में? इस संसार का सबसे ताकतवर आदमी डिस्प्रिन खा के मरा था। दो आया समझ में? जिसको ब्रिसली बोलते थे, दिमाग की नाड़ी फट गई थी। इन गोलियों पे ज्यादा विश्वास मत करो, तुम्हारे पास दुनिया भर की जड़ी बूटियां हैं। चलो 9-10 एक दूसरे को ऊपर चल रहे हो ना, तुम कर भी खा रहे हो बिना बात के खा रहे हो, पीछे हो जाओ। चलो चलो एक 2-3-4-5-6-7-8 आप पीछे आ जाओ, सामने सामने आओ, सामने सामने आ जाओ, सामने सारे सामने आओ, यहाँ से प्रेत रोता है, प्रेत रोता है, प्रेत कौन है इसके साथ? रास्ते में किस चीज के प्रॉब्लम? कहाँ पे? आप कौन सी बार आए? मैंने फूक लगा दी, 8 बार आओ। कैमरा नहीं पता आ रहा है ना? कैमरा नहीं, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तब वीडियो अच्छा नहीं आ रही इसलिए। बच्चा का कल सपना देखता हूँ। हाँ जी बच्चा को कल मैं तेरे को कह रहा हूँ वहाँ घूमने के लिए।